एक जगह में एक बामण रुचि। जब वो बुढ़ हो गो तो वो बहुत कमजोर हो गो और अपन काम करने में उके परेशानी होने लगी। वो अपन नजीकी जंगल बटी सुख लकड़ ढूंढ बेर उनके गांव में बेच बेर जसीक तसीक अपन गुजार चलू छी। एक दिन वील जंगल में बहुत ढूंढो परंतु उके लकड़ नहीं मिल और थोड़ा लकड़ मिली और उदिन वीक भाग ले दू खराब छी की वीक सामने नजीकी झाड़ी बटी एक बाघ निकल बेर आ और वीक सामने ठाड़ा हो। वो बामण डरे मारी कमन लागो। तब वीक दिमाग में एक ख्याल आ। वील अपन द्वे हाथ मली करी और खुश अबेर वील एक मंत्र पढ़न शुरू करो। बाघ के वो बामणक यश करण देख बेर केले समझ नहीं आई और उके मारन हबेर पहली बामण धवील पूछा कि तुम को छा और तुम यह अणकस्य भाषा में के कून लाग रहा छा। बामणल को कि मैं तुम्हार पुरखों के बामण छू। तुम्हार पूर्वज मेर यजमान छी जो मिके टाइम टाइम पर दान दक्षिण दी छी। तुम्हार दगड़ मेर भेंट आई तक नहीं हरा छी यह कह लीजिए मैं तुम्हार इंतजार करन लग रहा छी। आज जब तुम मेरे सामने आछा तो मिके बहुत खुशी है। यह कह लीजिए मैं तुम्हारे लिए जी आशीर्वाद मंत्र पढ़न लग रहा छी। बामणल बाघ के आशीर्वाद दे और वील को कि तुम्हार भल हो जो तुम्हार कल्याण हो जो और वील यसल को कि तुम ले अब अपन पूर्वजों चारी मिके के दक्षिण देने की कोशिश करो। बाघ यह बात सुन बेर घबरे गो और वील बामण के प्रणाम कर बेर को कि मेरे पास तो तुमको देने लीजिए केले ना मेरे दुए हाथ तो खालचन तुम मेरे शरीरल के काम करूँ चाचा तो मिके बता दियो कि तुम्हारे लीजिए कर दियो। बामणल को कि तुम बस इधो कर दियो मेरे लकड़न के अपन फुट में धर बेर सामने गौतक पूजा दियो। बाघल उसे करो वील बामणक लकड़न के अपन फुट में धर बेर सामने गौतक पूजा दी। बाघल को यस काम तो मैं तुम्हारे लीजिए रोजे कर दियुन तुम रोज मिके यह टाइम पर मिलिया। बामण रोज लकड़ी इकट्ठी कर छी और बाघ उन लकड़न के पुट में धर बेर गौतक पूजा दी छी। यस करन करने बहुत दिन बीत गई। एक दिन यस कि बाघ के ऊन में थोड़ी देर हगी तो बामणल गुस्से में अबेर उके श्राप देना की धमकी दे दे। बाघल के लनी कोई लकड़न गठर के वील अपन बुट में धर बेर गौतक पूजा और बामण को कि आज तुम मेर एक काम कर दियो ये भूबटी नीहून। बामण देखो कि वीक बात सुन बेर बाघ के गुस्सा रहो तो वो समझ गो कि अगर मैं ये कोई नहीं मानूँ तो यह मिके के न के नुकसान जरूर पुजाल। तो वील विनम्र हबेर बाघ तक पूछो कि बताओ के काम करण छू। बाघल को कि तुम अपन लकड़ काटनी जो कुल्हाड़ छू वील मेर कान में एक घाव कर दियो। वीक बात सुन बेर बामण असमंजस में पड़ गो पर वीक बात मान बेर वील वो बाघक कान में एक ननो नन घाव कर दे। बाघ चुपचाप वहां पर लह गो और फिर वो बहुत दिनों तक नहीं आई। एक दुई महीने बाद जब बाघ एक दिन फिर आ तो वील बामण के अपन घाव दिखाबेर पूछो देखो यो मेर घाव ठीक हगो ना। तो बामण को हो ठीक हगो। तो बाघल को परंतु तुम्हार उदिनक जो कटु बातक जो घाव मेर मन में आईले हरिचन जो तुम उधर उदिन में दे वो कड़ू बात करे छी ना वे घाव आज तक मेर मन में हरिय छन जो मिके यह सीखूनी कि मिके तुमर जस महसूख दगाड़ तुमर जग लोगों दगाड़ के रिश्त नी धरण जाए कि लकी शस्त्रल मिली घाव समय उन पर भर जाओ परंतु कटु बचनक और कटु शब्दनक घाव का बहले नी भरन। ये लीजिए दगड़ियों हमको सो समझ बेर अपन मुख बटी शब्द निकालन जानी कि लेकिन हमार कड़ू शब्द सुन बेर दूसर के नौक लग सकूं। धन्यवाद।